हे एवरी वन वन सेकेंड वेलकम बैक टू आर चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते हैं और उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा आ सकता है ठीक है एंड गाइज इफ़ यू हर न्यू दिस चैनल डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स बिगेन इट हेयर इज द क्वेश्चन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट टू कम्प्यूटेशन ऑफ वैश्वीज़ इनकम फ्राम अदर सोर्सेज असमेंट इ टू थाउजेंड नाइन्टी नाइन पर्टिकुलर लिख लेंगे एन एन अमाउंट एंड अमाउंट फर्स्ट आ जाते हैं यू कैन सी द क्वेश्चन विनिंग फ्राम लॉटरीज सो ग्रॉस में दे रखा विनिंग फ्राम लॉटरीज हमारा अदर सोर्सेज है तो हम इसको लिखेंगे हम फर्स्ट लिख लेते हैं विनिंग फ्राम लॉटरीज वो हमारे पास है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्स रेस विनिंग सो so, हॉर्स रेस विनिंग हमारे पास है ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड बट यहाँ पे हमें क्या है कि टी डी एस भी गिवन है सो टी डी एस गिवन है तो उसको हम क्या करेंगे टी डी एस को हम इस पर एडअप करेंगे ठीक है तो पहले हम रेस हॉर्स के हॉर्स रेस विनिंग का वो लिख लेते हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड देन हम इसमें टी डी एस को ऐड करेंगे टी डी एस एडअप करेंगे टी टी एस वो कि हमारे पास क्या है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब इसको ऐड करके हमारा आंसर आ जाता है थर्टी टू थाउजेंड नेक्स्ट हमारे पास है डिविडेंट फ्रॉम नागर सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड सो so, ये हमारी इंडियन कंपनी है सो so, जो इसका डिविडेंट होगा वो हम एडअप नहीं करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिविडेंट फ्रॉम फ्रॉड को अमेरिका को अमेरिका अमेरिका मतलब बाहर भा, की कंपनी है ठीक है तो उसमें हम अपना डिविडेंड को एडअप्ट करें वो हमारा आ, अदर सोर्सेज में हमारा आएगा ठीक है बाहर की कंपनी आएगी हमेशा याद रखना डिविडेंड बाहर की कंपनी का डिविडेंड आएगा अगर इंडिया की कंपनी होती है जैसे ऊपर इंडिया की कंपनी था तो थर्ड नंबर पर हमने उसे नहीं लिया है अब ये बाहर का है तो उसको लेंगे हम ये हमारे पास आ जाता है फोर्टी फाइव थाउजेंड इसमें टीडीएस है वो हमें नहीं रिसीव हो रहा है तो वो हमारा नहीं है ठीक है डिविडेंड हम हमेशा बाहर की कंपनियों का नेट वैल्यू पे लेंगे तो नेट वैल्यू उसकी है फोर्टी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन में कि इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ़ यूटीआई यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट इन इंडिया सो जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस वगैरह माफ़ रहता है वैसे ही हमारे यू भी माफ़ रहता है सो ये नहीं आएगा इसमें नेक्स्ट आ जाता है इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी लेटिंग ऑफ मशीनरी मतलब कि प्लांट्स एंड मशीनरी सो ये हमारा आएगा एटी सिक्सटी uh, एट थाउजेंड इसमें से जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं जो यूजफुल एक्सपेंसेस है उसको हम क्या कर लेंगे लेस कर लेंगे फर्स्ट आ जाता है रिपेयर्स टू मशीनरी वो हमारा आ जाता है सेवन सेवन हंड्रेड फाइव फिफ्टी तो उसको लिख देंगे हम सेवन फिफ्टी नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि सैलरी टू ऑपरेटर सैलरी टू ऑपरेटर हमारा कितना है एटीन थाउजेंड तो एटीन थाउजेंड हम लिख लेंगे रुपीज़ एटीन थाउजेंड नेक्स्ट हमारा आ जाता फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी एडअप होगा इसमें लेस होगा सॉरी इसको लेस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, ये है हमारे पास गिवन रुपीज़ थ्री फिफ्टी तो थ्री फिफ्टी को हम लेस कर लेंगे इन तीनों को एडअप करके हम इसमें से लेस करेंगे जो हमारे इनकम फ्रॉम है ये हमारा आ जाता है नाइन्टीन वन हंड्रेड इसको लेस करा हमने तो कितना आएगा फोर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवन पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड टीडीएस डी एट द रेट टेन परसेंट रुपीज़ फोर्टी फाइव थाउजेंड सो हम कमीशन इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो हम उसे करेंगे बट इसमें टेन परसेंट को लेस करके हम ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे इसकी ठीक है तो हम फोर्टी फाइव थाउजेंड से आ, 90 में से अगर 10 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा सॉरी uh, 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 90 आएगा तो हम लेंगे 100 अपॉन 90 ग्रॉस वैल्यू को ऐसे लेते हैं और फिर उसका आंसर आ जाता है 50,000 थाउजेंड ठीक है नेक्स्ट हमारा है फैमिली पेंशन रिसिव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू हैव टू रिमेंबर दिस कि फैमिली uh, पेंशन हमें क्या है रुपीज़ एट पर मंथ एट को हम क्या कर लेंगे ट्वेल्व से इंटू करेंगे इयर uh, की निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा नाइन्टी सिक्स थाउजेंड अब इसमें एटलीस्ट टू कंडीशंस लगेंगे वो हमें खुद से खुद से कंसिडर करेंगे अब हमें नाइन्टी सिक्स थाउजेंड से वन अपॉन थ्री को माइनस कर वन इंटू uh, करना पड़ेगा नाइन्टी थाउजेंड इंटू वन अपॉन थ्री इसका समप आता है थर्टी टू थाउजेंड फर्स्ट पॉइंट ये होता है और सेकेंड बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें से छोटा नंबर होगा मतलब जो इन दोनों में से लीस्ट नंबर होगा उसको हम ऐड कैप करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमें फिफ्टी थाउजेंड लेना ही पड़ता है ठीक है ये रूल्स है तो अब हम इसमें से फि इनमें से छोटा कौन सा फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड के ले, लेस करेंगे नाइन्टी सिक्स थाउजेंड से हमारा आंसर आ जाता है एटी वन थाउजेंड ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है आ, क्या है इनकम फ्राम अनडिसक्लोज इन अनडिसक्लोज रिसोर्सेज भी आएगा तो वो हम डायरेक्टली लिख देंगे वो है हमारे पास एट्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट आता है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स फिफ्टी सिक्स रिफ़ंड ऑफ इनकम टैक्स नहीं आएगा बट इसमें इंक्लूडेड इंटरेस्ट है इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन डिले रिफ़ंड ऑफ़ टैक्स इंटरेस्ट जो भी रिसीव्ड होता है टैक्स से वो हमारा एडअप होगा ठीक है तो हम इसको क्या करेंगे थ्री हमारा वो आ जाता है नेक्स्ट इसमें है इस नेक्स्ट कुछ नहीं है अब इसको हम टोटल करेंगे सबको हमने टोटल करा तो हमारी अमाउंट हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अमाउंट निकल जाएगी तो हमारा क्या आया हमारा जो अमाउंट निकलता वो है है थ्री लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड थ्री लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड सो ये हमारी क्या गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आई होप ये क्वेश्चन आपको अब आप समझ आ चुका होगा और नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट में पिन कर सकते हो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी ठीक है इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है हेयर इज द क्वेश्चन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट टू ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी का क्वेश्चन सेम है इसमें बट जो हमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ रिसीव्ड हुई हैं वो कौन सी सिक्योरिटी ग्रॉस अप लगता है कौन सी नहीं लगता है वो हमें इसमें इंपॉर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में आ जाता है कि आ, श्रीमती उषा तिवारी कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज so, सो कंप्यूटेशन ऑफ श्रीमती उषा तिवारी फ्रॉम इनकम अदर सोर्सेज असेसमेंट ईयर हमें गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है फैमिली पेंशन सो फैमिली पेंशन हमने पढ़ चुका है फैमिली पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एम तो ये डायरेक्ट आ जाएगा इसको हम डायरेक्टली मैंशन कर लेंगे सो so, आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था फैमिली पेंशन में हमारा आ, कुछ दो कंडीशंस लगती हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं उसको हम लेस कर लेंगे लीस्ट लिस्ट ऑफ़ टू जो भी दोनों में से एक हमें जो सबसे छोटा लगेगा वो हमें इसमें मेंशन करेंगे फर्स्ट एटी फोर थाउजेंड का वन थर्ड निकालेंगे हम ऐटी फोर थाउजेंड का वन थर्ड निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है ट्वेंटी एट थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारी होती है बाय डिफ़ॉल्ट फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड हमें लेना ही पड़ता है फिफ्टीन थाउजेंड सॉरी फिफ्टीन थाउजेंड हमें लेना ही पड़ता है तो फिफ्टीन थाउजेंड अब इन दोनों में से छोटा देखेंगे ट्वेंटी एट या फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड तो 15000 थाउजेंड को हम इसमें से एटी फोर थाउजेंड में से लेस कर लेंगे एटी फोर थाउजेंड से हमने फिफ्टीन थाउजेंड लेस किया तो हमारा आंसर आता है सिक्सटी नाइन थाउजेंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैश वर्द फोर लैख वॉज़ फाउंड इन द प्रीवियस ईयर इन द बैंक लॉकर सो ये हमारी हो जाती है अनडिसक्लोज सोर्सिस में आता है हमारा ये कैश ठीक है कैश वर्द जो होता है अनडिसक्लोज सोर्सेज में आता है वो हम डायरेक्टली लिख लेंगे क्योंकि ये मैंशन होता है अदर सोर्सेज में ठीक है तो इसको हम लिख लेंगे फोर लैख नेक्स्ट आता है पार्ट टाइम डायरेक्टर फीस ऑफ अ कंपनी ये भी अदर सोर्सेज है पार्ट टाइम है ठीक है इस डायरेक्टर uh, की कंपनी के लिए तो डायरेक्ट फीस जो हमारा आता है एट्टी थाउजेंड तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे एट्टी थाउजेंड रुपीस एट्टी थाउजेंड नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट में आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट सो ये डायरेक्टली आ जाएगा अगर हमारे पास इंटरेस्ट क्रेडिटेड नहीं होता तब हम उसको मैंशन नहीं करते बट यहाँ पे क्रेडिटेड है तो हम सेवेंटी टू थाउजेंड डायरेक्ट लिख देंगे एंड जो ये चार्जेस है वो नहीं आ, नहीं आएगा इसमें क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स है ठीक है तो ये सेवेंटी टू थाउजेंड हमने डायरेक्ट लिख चुका है नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ रिसीव्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखने की ज़रूरत है अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो नो ग्रॉस अप होगा मतलब उसमें कोई भी कट कर, नहीं होगा सेम वो जो जितना अमाउंट दे रखा है हमें वो डायरेक्ट लिख देना है हमने ठीक तो है तो सिक्सटी थ्री थाउजेंड टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है यहाँ पर ठीक है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसमें हम कोई भी ग्रॉसअप नहीं करेंगे नो no ग्रॉसअप आएगा यहां पे ठीक है क्रॉसअप नहीं होगा तो नो अप है तो हमारा कितना आ जाएगा सिक्सटी थ्री थाउजेंड हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे अब नेक्स्ट आता है इसमें कि सिक्सटी थ्री थाउजेंड टैक्स फ्री कमर्शियल लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कमर्शियल लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है तो ग्रॉस अप होगा सिक्सटी थ्री थाउजेंड को हम करेंगे इनटू हंड्रेड अपॉन नाइन्टी जो कि हमारा आ जाता है सेवेंटी थाउजेंड इसको हम करेंगे तो ये हमारा आएगा सेवेंटी थाउजेंड हम सेवेंटी थाउजेंड लिख देंगे नेक्स्ट आता है आ, सी पॉइंट है इसका सिक्सटी थ्री थाउजेंड टैक्स फ्री आ, टैक्स फ्री कमर्शियल अनलिस्टेड सिक्योरिटी चाहे लिस्टेड सिक्योरिटी हो चाहे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हो दोनों पर ग्रोसअप होगा ठीक है अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को छोड़ के बाकी सब में ग्रॉसअप होगा तो इसका भी आ जाता है हमारा सेवेंटी थाउजेंड नेक्स्ट डी पॉइंट है सिक्सटी थ्री थाउजेंड लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सो दोबारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आता है तो नो ग्रॉसअप ग्रॉसअप नहीं होगा तो जितनी अमाउंट है उतना ही हम डायरेक्टली लिख लेंगे सिक्सटी थ्री थाउजेंड ये वाला आ जाता है सिक्सटी थ्री थाउजेंड लेस टैक्स कमर्शियल लिस्टेड सिक्योरिटीज सो कमर्शियल लिस्टेड सिक्योरिटीज है वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है तो हम इसको भी ग्रॉस अप करेंगे सिक्सटी थ्री थाउजेंड इन टू हंड्रेड अबाउ नाइन्टी जो कि हमारा आंसर आ जाता है सेवनटी थाउजेंड नेक्स्ट एफ वाला है सिक्सटी थ्री थाउजेंड लेस टैक्स कमर्शियल अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अगेन तो ये ग्रॉसअप होगा ग्रॉसअप होगा अब कर लेंगे हम सिक्सटी थ्री थाउजेंड इंटू हंड्रेड अपो नाइन्टी जो हमारा आ जाता है सेवेंटी थाउजेंड ठीक है अब हमारा नेक्स्ट है इसमें कलेक्शन चार्जेस है वो एंड में माइनस होता है उससे पहले हम ले लेंगे फीस फीस रिसीव फ्रॉम लेक्चर्स सेमिनार्स तो वो हमारा uh, क्या बोलते हैं कितना है थर्टी सिक्स थाउजेंड इसको हम लेस कर लें इसमें ऐड ले, अप कर लेंगे लेक्चर्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है अब हम क्या करेंगे इसका टोटल कर लेंगे टोटल हमारा जो भी आएगा इसको सारा टोटल करके हमारा आंसर आता है टेन लाख थ्री थाउजेंड टेन लाख थ्री थाउजेंड ठीक है टेन लाख थ्री थाउजेंड ये अभी हमने टोटल किया है बट हमारा कलेक्शन चार्जेस अभी बचा है तो हम कलेक्शन चार्जेस को लेस करेंगे लास्ट में क्योंकि ये हमारा द सोर्सेज नहीं है तो इसमें एड अप हो रखा है बट इसको हम माइनस करेंगे ठीक है कलेक्शन चार्जेस को है माइनस कर हमने रुपीज़ फ़ोर फिफ्टी फोर फिफ्टी को माइनस कर देंगे इससे यहाँ पे स्पेस नहीं है बट आप मैनेज कर लेना आ, तो हमारा आंसर आ जाता है टेन लैख सिक्सटी टू टेन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी टेन लैक्स सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा अच्छे से वह बहुत ईजी है बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिमेंबर रखने की ज़रूरत है एंड गाइज़ प्लीज़ डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग